विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज रिपब्लिक डे के ओकेजन पर क्यों ना ट्राई कलर बर्गर हो जाए। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, सोच रही हूँ कि इसका पेटेंट ले लूँ, बिकॉज ऐसी रेसिपी आपने कहीं नहीं खाई होगी, ऐसे इंग्रेडिएंट्स आपने कहीं नहीं डाले होंगे, और जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, टेस्टी है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं ट्राई कलर बर्गर की रेसिपी, जो की बनेगी चुटकियों में। तो ये यूनिक ट्राई कलर का बर्गर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ग्रीन कलर चाहिए। तो उसके लिए मैंने लिया है चॉप्ड पालक, थोड़े से हम डालेंगे कॉर्न्स, क्रंची फ्लेवर के लिए हम ऐड करेंगे पत्ता गोभी, और ग्रीन चटनी टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। व्हाइट कलर के लिए लिया है मैंने पनीर, कच्चा पनीर है ये, और डालेंगे इसमें प्याज और साथ में व्हाइट मेयोनेज व्हाइट कलर के लिए। सैफरन कलर के लिए यूज किए हैं टमाटोज, इनको चॉप कर लिया है, और ली है तंदूरी मायो, जो कि इसके फ्लेवर को एकदम डिफरेंट लेवल पर लेकर जाएगी, और बहुत सारा बटर, तीन बड़े चम्मच ही डालेंगे, और थोड़े से मसाले जिसमें चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और लहसुन। तो चलिए बेहतरीन बिल्कुल डिफरेंट बर्गर को बनाने की शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर आपने ये कहीं नहीं खाया होगा। तो कढ़ाई ली और उसमें तीन क्यूब्स बटर के डाले, और साथ ही में डाल दिया मैंने हरा लहसुन। तो दिल्ली है और दिल्ली के अंदर ये हरा लहसुन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल लहसुन डालिए, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर दीजिए। और ये डाल दिए मैंने एक कटोरी कच्चे कॉर्न्स। तो अब आपको क्या करना है, मीडियम फ्लेम पर इन कॉर्न्स को कुक करना है, और बटरी बटरी कॉर्न बन जाएंगे ये, बहुत ही टेम्प्टिंग लगेंगे। तो ये 3 मिनट लगे और कुक हो गए हैं। इस लेवल पे मसाला डालो, और वो जो मिलता है ना मसाला, कॉर्न नींबू निचोड़ के खा सकते हो, बट हम तो बर्गर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है अब पालक। अच्छा, पालक को मैंने पहले गर्म पानी में धोया, फिर ठंडे पानी में ब्लांच कर लिया था, और फिर मैंने इसके अंदर भी ऐड किया है पत्ता गोभी, कुछ पत्ता गोभी रख दी है। अब इसको हम करेंगे कुक मीडियम से लो फ्लेम में, और ये 3 से 4 मिनट में बन जाएगा। तो बहुत ही आसान ये रेसिपी है, एंड आई एम श्योर बच्चों को तो पसंद आएगी आएगी। थोड़ा सा कंबाइन करने के लिए पालक को और कॉर्न्स को मैंने ऐड किया है मैदा, आप चाहे बेसन ऐड कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो, स्वाद के अनुसार पिंक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट यूज़ करना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है। और ओरिगैनो डालेंगे हम इसके अंदर फ्लेवर के लिए, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स, अगर आपको स्पाइसी रखना है तो आप ज़्यादा स्पाइस भी ऐड कर सकते हो, काली मिर्च डाली है, और मेरा फेवरेट चाट मसाला है ना। ऐसी रेसिपी के अंदर यूजुअली हम देखते नहीं है चाट मसाला, पर मैं डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, हम हैं इंडियंस, और इंडियंस को ये तड़के और स्पाइसी वाले खाने जो है ना काफ़ी पसंद आते हैं। तो जो ब्लॉन्ड सा टेस्ट होता है वो उस टेस्ट को इन्हांस कर देता है ये चाट मसाला, तो ज़्यादातर मेरी नमकीन रेसिपीज़ में मिलेगा। और इसी के साथ मैंने क्रीम ऐड करी है थोड़ा क्रीमी फ्लेवर देने के लिए आपके बर्गर को, और अब ये हो रहा है हमारा कुक। तो आप ये देख सकते हो मैदा डालने की वजह से जो टेक्सचर है वो कंबाइन टेक्सचर बन गया है। अब इस लेवल पर मैं ऐड करूंगी जो बची हुई हमारी पत्ता गोभी वो, और मोजरेला चीज, तो चीजी चीजी बन जाएगा ये। एंड पता है इस रेसिपी की कमाल बात क्या है, ये जो 3 रेसिपीज बना रहे हैं हम एक बर्गर के लिए, आप इसको इंडिविजुअली अलग अलग भी सैंडविच में, रोटी में या बर्गर में बनाकर खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और आपके बच्चों को भी और आपके पेरेंट्स को भी, किसी को भी। मतलब इस रेसिपी को ना कोई ये नहीं कह सकता अच्छी नहीं बनी। तो इसी के साथ ग्रीन कलर रेडी है, अब बनाते हैं व्हाइट कलर, जिसके लिए मैंने लिया है बटर 1 क्यूब या 1.5 क्यूब, मतलब थोड़ा सा ही बटर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो आप बोलोगे इतना बटरी बटरी बना दिया है, थोड़ा सा बटर तो लेना ही पड़ेगा। अब मैंने इसके अंदर डाला है हमारा प्याज, तो प्याज आपको एकदम जलाना नहीं है, सिर्फ ट्रांसल्यूसेंट करना है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट करना है, और इसको आपको करोगे तेज़ आँच पे, और आधे मिनट के अंदर आपका ये जो प्याज है ना ये अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, कुक हो जाएगा, और वाइट कलर को इन्हांस करेगा जब पनीर के अंदर डालेंगे। अगर जला दोगे तो क्या होगा, फिर वाइट कलर के अंदर वो जले हुए प्याज के टुकड़े, फिर कहोगे कि ये वाइट कलर तो हुआ नहीं है, क्या कर रहे हो तुम।
ठीक है, तो आपको ट्रांसलूसेंट ही रखना है इसको। तो जी प्याज भी करीब एक मिनट लगा लो, चलो कुक हो गए। अब इसमें हम डालेंगे बड़ी वाइट कलर की जो हमारी है पनीर की क्यूब्स। तो वाइट कलर के लिए मैंने क्यूब्स का इस्तेमाल किया। आप सजेशन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ना वाइट कलर के लिए मैं और क्या यूज़ कर सकती थी। मैंने बड़ा दिमाग लगाया और फिर मुझे लगा पनीर ही अच्छा ऑप्शन है और बर्गर के अंदर पनीर तो वैसे ही बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने इसलिए ये डाल दिया है। और इसके अंदर वही हमारे सिंपल से मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, आप चाहो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बट फिर हमारा कलर है ना वो नहीं आता एक्चुअली वाइट, तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। तो थोड़ा नमक डाल दिया है और आप यहाँ पर चाट मसाला डालना चाहो तो डाल दो। मैंने इस वाले में चाट मसाला नहीं डाला है, सिर्फ काली मिर्च, नमक और ओरिगैनो और लाल मिर्च ये डाली है। और इसको आप करीब आधा मिनट पकाओ और आप ये देख सकते हो कि हमारा जो पनीर है ये बन गया है। अब मैंने डाली है थोड़ी क्रीम। हाँ जी, क्रीम तो डालेंगे ही ना, तभी तो आएगा आपका लूसी जूसी वाला फ्लेवर, क्रीमी क्रीमी फ्लेवर, और थोड़ा जो आपका पनीर है ये भी सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। जैसे ही आपने डाला क्रीम, उसको बस आधा मिनट ही कुक करना है और फिर बंद कर दो और इसको अलग से कटोरी में निकाल लो। उसी पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा और बटर डाला है। अब आप ये देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ही बटर डाला है, बहुत ज़्यादा बटर नहीं डाला है। पहले वाली रेसिपीज़ में अच्छा बटर डल गया था क्योंकि हमें कुक करना था पालक को, पर यहाँ पर हम सिर्फ एक ग्लेज देने के लिए उतना यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आप कहते हो आपको बहुत ज़्यादा बटर डालना है तो आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 3 से 4 टमाटर काट के। यहाँ पर आपको सालसा अगर बनाना है ना, सालसा वाली रेसिपी, तो आप पेरी पेरी मसाले भी डाल सकते हो, साथ में लहसुन भी डाल सकते हो और प्याज भी डाल सकते हो। बट क्योंकि मुझे ऑरेंज कलर को इन्हांस करना था, सैफरन कलर को एक्चुअली में इन्हांस करना था, तो मैंने सिर्फ टमाटोज का यूज किया है। तो आप ये समझ रहे हो, मतलब हमने सालसा की रेसिपी भी बना रहे हैं हम पिज्जा के अंदर। मसाले वही सेम रखे हैं, काले मिर्च, चाट मसाला, ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स। नमक तो डालोगे ही आप स्वाद के अनुसार, राइट। तो ये एक सालसा वाली टाइप की चटनी सी बन जाएगी इसके अंदर। हाँ, मैं आपको बता रही थी ना, पेरी पेरी मसाला डालना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरा एक्चुअली मैं ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं इसमें पेरी पेरी मसाला भी डालती जो इसकी रेसिपी को अलग ही लेवल पर लेकर जाता। बट एनीवेज, टमाटो केचप मैंने डाला है, स्वीट केचप डाला है। आप चाहो चिली, आपको पसंद है ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें चिली वाली जो सॉस आती है वो भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ना तो स्वीट चाहिए ज़्यादा, ना ही आपको चिली चाहिए, तो आप स्किप भी कर सकते हो, सिर्फ टमाटो को मसालों के साथ रख सकते हो तो भी आपके बर्गर में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता ही है रेसिपी को, और अगर एंड तक देखोगे अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना। थोड़ी सी क्रीम इसमें भी डाल ही देते हैं हमारे टमाटर को, चटनी को एक्चुअली में एक यम्मी सा क्रीमी टेक्सचर एंड सैफरन कलर देने के लिए। तो आप देख लो लाल टमाटर है, सैफरन कलर में थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए हैं। हम कोई इसमें एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया, अगर चाहो तो आप कलर भी ऐड कर लेते तो और इन्हांस्ड हो जाता। तो ये ग्रीन चटनी हरे के लिए ये बन गया है हमारा, और ये वाइट के लिए, और ये वाइट की चटनी के लिए, ये ऑरेंज के लिए टमाटर हमारे रेडी हैं। तो चलिए असेंबल करते हैं, उससे पहले मेरा ये नया तवा और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर और डाल देते हैं, और हम अपने जो बर्गर के जो बंद है ना उनको बेक क्रिस्पी रोस्ट कर लेते हैं बटर के अंदर। ये जो प्रोसेस है आप इस तरीके से करेंगे तो आपका बर्गर है ना बेटर बनेगा। कई बार क्या करते हैं, हम पहले स्टफिंग कर लेते हैं और फिर बाद में तवे के ऊपर उल्टा पलटी करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर से जो सामान है ना बर्गर का वो निकलना शुरू हो जाता है एंड फिर लगता है ये क्या मैसी हो गया है, चलो बाहर से ही खा लेते हैं, तो हमारा डीमोटिवेशन हो जाती है। बट अगर आप पहले इसी तरीके से रोस्ट करके अपना इसको क्रिस्पी करके रख लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं घर के अंदर, तो सब एकदम से बना के ऐसे रोस्ट करके रख लीजिए और स्टफिंग बनाते जाइए और सबको देते जाइए। तो पहला हम यूज़ करेंगे ग्रीन कलर वाली जो चीज़ है, क्योंकि हमें लेयरिंग करनी है अकॉर्डिंग टू ट्राई कलर। तो मैंने यहाँ पर पहले ग्रीन कलर की लेयरिंग करी है, और आप इसके अंदर आप ये देख रहे हो, मतलब ये हमने चीज़ और क्या क्या डाला है, इसको टॉप अप करूँगी मैं ग्रीन चटनी, अपनी देसी हरी चटनी धनिया और पुदीने की, उसके साथ इसमें थोड़ा नींबू भी था चटनी के अंदर। तो मतलब समझ रहे हो आप ये बर्गर के अंदर कैसे डिफरेंट, कैसे यूनिक, मतलब मन तो कर रहा कॉपीराइट ले लूँ, इसका पेटेंट ले लूँ, करवा लूँ मैं इस रेसिपी को, बहुत ही डिफरेंट है एक्चुअली में और टेस्टी भी होने वाली है।
तो व्हाइट कलर के लिए मैंने इसके अंदर पनीर ऐड कर रहे हैं, तो लेयरिंग आपको करनी है सो दैट लेयर्स दिखे आपकी, राइट। और ये बर्गर जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी बन जाएगा, तो एक बर्गर एक जने के लिए काफ़ी है, कप ऑफ कॉफ़ी या एक कप ऑफ चाय हो जाए साथ में, तो बस आपका ये पूरा होलसम मील है। चाहे आप इसको लंच में खाएं, डिनर में खाएं, ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हो तो ब्रेकफास्ट में भी बना लो। ऑरेंज कलर के लिए ऊपर मैंने थोड़ा सा ये जो टमाटर की चटनी है वो डाल दी, और मैं इसको टॉप अप कर रही हूँ ये तंदूरी मायो से। तंदूरी मायो ना मतलब इतनी टेस्टी है, मतलब रोटी में लगा के खा लो, सैंडविच में लगा के खा लो, इसमें बर्गर में खा लो, मैं तो वो मतलब तंदूरी इंडी तंदूरी वो आता है ना पिज्ज़ा, उसमें कितनी टेस्टी लगती है, उसमें लगा लो, तो मतलब सब में लगा लो, अच्छा बनता है। एनीवेज तो ये आपका बर्गर रेडी है, तो सर्व करते हैं। तो ब्लू कलर नहीं ऐड किया, तो मैंने सोचा ब्लू कलर की प्लेट ले लेती हूँ, उसके ऊपर रख देती हूँ ये बर्गर। तो थोड़ा सा रेस्ट्रॉ फील देने के लिए मैंने सोचा कि ये एक नेशनल जो फ्लैग के तीनों कलर्स हैं ही अपने पास, उसको हम थोड़ा सा सजा दें, बट थोड़ा सा मेरे से मेसी सा हो गया ये। बट एनीवेज आपको यहाँ पर काली मिर्च मैंने लगा दी है ब्लू कलर के सिंबॉलिक, तो ये बर्गर रेडी है। तो आई होप आपको ये एकदम नया इनोवेटिव विद डिफरेंट स्पाइसेस बर्गर अच्छा लगेगा। एंड ये देख सकते हो आप, मतलब ट्राइकलर बर्गर विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करना। एंड हैप्पी Republic Day. Thank you for watching.